नानी, हमने जिंदगी में आज तक कभी एक्टिंग नहीं की, आज जबरदस्ती करनी पड़ी है, आप कुछ करिए ना। बेटा मैं क्या करूँ, एक तो हमारा जादू इन भूतों पर चलता नहीं है, ऊपर से मैं कुछ कहूँ तो अमर सूरज की बॉडी में घुसकर उसका सर फोड़ने की धमकी देता है। डायरेक्टर साहब, ये तीन लेडीज हमारे सीरियल में फ्री में काम करेंगी, छोटा मोटा रोल। देखिए, हमें आपके सीरियल में कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करनी है, आप प्लीज किसी और को लाइए। अरे आप फिर मना करने लग गई। अमर जल्दी आओ। ओ, तो यही वो लड़की है जो वैम्प का रोल करने आई है। शूटिंग शुरू होते ही उसके अंदर घुस के मैं एक्टिंग शुरू करती हूँ। अमर चलो जल्दी आओ, मैं जा रही हूँ। सर मैं शूटिंग नहीं कर सकती, मुझे घर जाना होगा। मैडम आप हमारे सीरियल की मेन वैम्प है, आप क्यों ना शूटिंग हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम। मैं जा रही हूँ। मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती। मैडम मैडम, अरे डायरेक्टर साहब जाइए, अब शूटिंग लेट शुरू होगी तो पैकअप भी लेट होगा। मैं सूरज को बता क्या था। सूरज आजकल ये क्या गड़बड़ हो रहा है, मैं कहीं और होता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद कहीं और पहुंच जाता हूँ। सूरज सूरज एक प्रॉब्लम हो गई यार, वहम सेट छोड़कर भाग गई, इसलिए शूटिंग थोड़ी देर तक चलेगी। नहीं वहम क्या आती, तुझे इस घर के अंदर आने किसने दिया, चल बाहर निकल कर से। अब कमाल करता है यार, तूने मुझसे सबके इंश्योरेंस पॉलिसी बनवाई, सासू माँ राधा जिया को एक्टिंग करने के लिए कहा और अब मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। बकवास कर रहा है तू, घर से बाहर निकल वरना तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अब गेट आउट। अब ठीक है, कहाँ जा रहा है रे तू? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग। देख यार तू कर ना शूटिंग, बिंदास कर शूटिंग, नो प्रॉब्लम। तू मजाक कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। क्या एक्टिंग करता यार, मैं फिल्म बनाऊंगा ना, तुझे रोल जरूर दूंगा। इंश्योरेंस एजेंट का रोल देना, फिल्म में सबकी इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं बाहर देखता हूँ। ये सामान उठा के कहाँ जा रहे हो? कोई कहीं नहीं जाएगा, रखो सामान वापस, रखो जल्दी रखो, चलो। सुनिए सर, आपकी वो वैम जो थी वो तो शूटिंग छोड़ के जा चुकी है ना? तो अब आप शूटिंग कर नहीं सकते, तो बस सबका पैकअप करिए और उनको घर भेजिए। तो क्या है कि फर्स्ट डे आर्टिस्ट का सेट छोड़कर जाना बड़ा अपशगन होता है। मेरा ख्याल है ये सीरियल बनाने का आइडिया आप ड्रॉप कर लो। आप मेरी शूटिंग कैंसिल कराने पे क्यों तुली हुई है? वो वैम चली गई तो क्या हुआ, डायरेक्टर को मैंने भेजा ना वैम लाने के लिए, वो लेकर आता होगा अभी। चलिए सर, सामने वाले घर में रहती है। अच्छा? जब मैंने पूछा ना तो बोली लोगों के घरों में आग लगाने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। अच्छा सर, वैम पे तो यही करती है ना। एक मिनट मैडम, क्या आप वैम का रोल करेंगी? कुछ सैंपल करके दिखाई ना प्लीज। ओए पहले मुझे पेट्रोल और माचिस की बीड़ी दे दो। वो क्यों? ओ इन्होंने मुझे कहा ना कि मुझे लोगों के घर में आग लगानी, तो आग लगाने के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए और जलाने के लिए मुझे माचिस की बीड़ी चाहिए ना। ये क्या एक्टिंग करेंगी? सॉरी सर, इमरजेंसी के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, मैंने अभी समझाता हूँ। मैडम आप किसी घर को आग नहीं लगानी है, आपको सिर्फ कैमरे सामने एक्टिंग करनी है, आपका सीरियल लोग देखेंगे, आप टीवी में आएंगी मैम। मैं टीवी में आऊंगी, लोग मुझे देखेंगे। लगता है ये लोग शांति को वैम के रोल के लिए लाए हैं। मैं शांति के अंदर घुस जाती हूँ। मैंने तो कोई एक्टिंग की नहीं, तो ये सारे क्यों मेरा ऑटोग्राफ लेने आ गए? कोई बात नहीं, जब ले ही रहे हैं तो देने में क्या जाता है। मैं
आराम करना चाहती हूँ। ओके, नानी अब क्या होगा? वही जो होता रहा है, प्रीतिका बार बार शांति की बॉडी में घुसकर एक्टिंग करती रहेगी और शांति खुश हो होकर ऑटोग्राफ साइन करती रहेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम अपने घर से शूटिंग वाले भूत को कैसे बाहर भगाएं? मामा नानी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये शूटिंग रुक सकती है। क्या? अगर हम प्रीतिका को भड़का दें तो फिर वो शांति आंटी के अंदर घुसकर इन सबको इतना परेशान करेगी कि ये सब खुद हमारा घर छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन हम ये प्रीतिका को भड़काएंगे कैसे? वाह, क्या आइडिया सोचा है। देखना अमर, वो लोग शांति को यहाँ पर लाएंगे और मैं शांति के अंदर घुस के फिर से वैम्प की एक्टिंग करूंगी। और तुम्हारी एक्टिंग देख के सब लोग कितने खुश होंगे, है ना? तुम यहाँ कोने में रुकना और देखना, सारे लोग मेरी एक्टिंग देख के पागल की तरह तालियां बजाएंगे। पागल वो नहीं प्रीतिका, पागल तो तुम हो। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुम शांति आंटी के अंदर घुसकर एक्टिंग करके खुश तो होती हो, लेकिन तुम्हें मिलता क्या है? मुझे खुशी मिलती है? अरे बेवकूफ, तुम्हें तो दुख होना चाहिए। क्यों? अब देखो, एक्टिंग तुम करती हो लेकिन तारीफ तो सब शांति आंटी की करते हैं। देखो, सब लोग शांति को सुपरस्टार समझते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तुम्हारी तारीफ थोड़ी होती है। हाँ, अब देखो, शांति आंटी फेमस हो जाएंगी, उन्हें बड़े बड़े रोल्स मिलने लगेंगे, खूब सारे पैसे कमाने लगेंगी, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? मतलब ये है कि मेहनत तुम करती हो, फल उसे मिलता है, तुम्हें तो आगे जाकर कोई पहचानेगा भी नहीं। You're right, नानी। मतलब मैं टैलेंटेड हूँ और फेमस वो होगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसकी तारीफ नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो तुम क्या करोगी? उसे आने दो, सबके सामने उसकी इंसल्ट करवाऊंगी। अब उसे तालियां नहीं, थप्पड़ मिलेंगे। चॉकलेट का जूस, वो कैसे बनता है? इतना भी नहीं समझते आप? एक चॉकलेट मंगवाइए और उसे जूस में डाल दीजिए। तो चॉकलेट का जूस आ जाएगा, आप एक्टिंग तो शुरू कीजिए। शुरू शुरू करो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अरे, इसने तो एक्शन बोल दिया, अब क्या करूं? मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है। मैडम, डायरेक्टर ने आपको एक्शन कहा है, आपको एक्टिंग करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर एक्शन बोलने की? अभी बताते हैं क्या किया है। मारो इन पर इसको। कमाल हो गया। अरे बाकी देखा, मेरी मेहनत का फायदा उठाकर किसी सुपरस्टार बनने जा रही थी, बैंड बजा दी उसकी। जिया, वैसे तुम्हारा आइडिया तो कमाल का निकला, अब कोई शूटिंग वाला तो हमारे घर में आएगा ही नहीं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी चुटकी का जादू अक्सर मिसफायर होता रहता है, लेकिन अक्ल का जादू तो बड़ा चल गया। प्रीतिका, इस बार मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। इन्होंने शांति को जो भड़काया है तुम्हारे थ्रू, उसमें तुम्हारा फायदा नहीं, इनका फायदा है। प्रीतिका, अब तुम किसके बारे में घुसकर कैमरा के सामने एक्टिंग करोगी? हाँ, पहले तो तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ करने के लिए यहाँ शूटिंग वाले तो थे, लेकिन अब तो तुमने खुद ही उन्हें मार मार के यहाँ से बाहर भगा दिया। अब और किसी को तो तुम दिखाई देती नहीं, अब कौन देखेगा तुम्हें? हाँ, देखे या ना देखे, तुम तीनों परियां तो मुझे देख ही सकती हो ना। शूटिंग वाले चले गए तो क्या हुआ, उनकी स्क्रिप्ट तो यहाँ पर है।